गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी लोग पार्ट एक और दो का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम आप सभी लोगों को हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित लिखा गया एक व्यंग का अध्ययन आपको करवाएंगे। पार्ट तीन का नाम है बस की यात्रा। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग अवश्य करते हैं, या साइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, या ऑटो से जाते हैं, या ट्रेन से जाते हैं, अन्य किसी टैक्सी गाड़ी से जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हरिशंकर परसाई जी ने एक ऐसी यात्रा की बस से जिसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस पर उन्हें कुछ हंसी आई, कुछ क्रोध भी आया, उसी के बारे में उन्होंने इस पाठ का पाठ की रचना की। देखते हैं कि हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। कितने लोग थे? 5। जाना कितने बजे का तय हुआ? 4। यानी 5 मित्र थे और उन्होंने 4 बजे शाम वाली गाड़ी से निकलने के बाद मन में ठान लिया, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना एक स्थान जहाँ से इसी कंपनी, यानी जिस कंपनी की बसें चल रही हैं, जैसे अपने हरियाणा की हैं, जयसवाल की हैं, गाड़ियाँ चलती हैं प्राइवेट ना, या फिर रोडवेज बसें मान लीजिए चलती हैं, तो बता रहे हैं हरिशंकर परसाई जी कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटा, जहाँ जाना चाहते थे सतना के लिए 1 घंटा बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर जाने वाली जो ट्रेन है, जो बस पन्ना से सतना जाती है, वही बस जबलपुर जाने वाली ट्रेन के राइट टाइम पहुंचा देती है कि वह ट्रेन आपको सही समय पे मिल जाएगी, सुबह घर पहुंच जाएंगे। कौन कहता है? हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि हम सभी लोग सुबह होते ही अपने घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। जैसे कोई ऑफिस में काम करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कोई सरकारी क्षेत्र में काम करता है, तो क्या बताते हैं कि उस, अरे हम 5 लोग थे जिनमें से 2 लोगों को सुबह किसी काम पर जाना है, इसलिए लोगों ने सोचा, लेखक ने सोचा कि शाम को 4 वाली बस से निकलते हैं, जिससे रात भर सफर भी कर हो जाएगा और सुबह आराम से काम पर भी चले। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था कि किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा, हानि भी नहीं पहुंचेगी, आराम से घर पर भी पहुंच जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। जो जैसे आप बस अड्डे पर देखते हैं, स्टेशन देखते हैं, चौराहों पर देखते हैं कि लोग बैठे होते हैं, दुकानें होती हैं, तो जब हम 5 वहाँ पर पहुँचते हैं तो लोगों ने हमको सलाह दी कि भैया किसी गाड़ी से चले जाना, पर ये जो शाम को 4 वाली आती है इससे कभी सफ़र मत करना, ये बहुत ही खतरनाक गाड़ी है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? यानी जब लोगों ने कहा कि यानी किसी भी समय किसी भी गाड़ी से सफ़र कर लेना, पर ये जो गाड़ी आ रही है इस गाड़ी से कभी भी सफ़र न करना, तो मैंने पूछा, किसने, लेखक ने पूछा, तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? शाम को अगर जैसे कि आप घर से निकलते हैं तो पापा मम्मी क्या कहते हैं? मम्मी पापा, बेटा जान के जाना, वहाँ चोर लगते हैं, वहाँ ये है, वहाँ वो है, हिसाब से आना,
कहते ना, तो क्या बताते हैं कि लेखक कहता है कि हमसे लोग कहते हैं जबकि इस बस से सफर मत करना, तुम्हें पूछता हूँ क्या रास्ते में चोर मिलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, नहीं बस डाकिन है। बस क्या है, डाकिन, कि लोग नहीं लूटने के लिए इसको रोकते हैं, ये खुद लोगों को लुटवाने के लिए क्या करती है, वहां पर रुक जाती है, ठहर जाती है। बस तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मन में दया भाव आ गया, क्या दशा है इसकी, इस पर लद कर चलेंगे जैसे दादी माँ घर में है जो बहुत ही बूढ़ी हो गई है, या बाबा जी हैं जो बूढ़े हो गए हैं, बेचारे स्वयं लाठी के सहारे चलते हैं और उनसे गोदी लेने के लिए कहा जाए तो क्या सही है, जो स्वयं नहीं चल पा रहा है वो दूसरे को कैसे सहारा दे पाएगा। तो क्या कहते हैं, बस को देखा तो श्रद्धा पर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध मतलब बहुत बूढ़ी थी। आपने बूढ़ी बस को देखा मेरे प्यारे बच्चों, देखा ना कि जर्जर अवस्था, एक एक स्क्रू पेंच उसका नट ढीला था, उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी, आवाज कर रही थी, सदियों से के अरबों के निशान लिए हुए थी, इतनी खटारा गाड़ी, कितनी खटारा गाड़ी लग रहा था, सदियों से अपनी पहचान ढूंढ रही है, जैसे म्यूजियम में संग्रहालय में जो चीजें पुरानी होती हैं संग्रहित करके सुरक्षित रख ली जाती है, ऐसी बस जिसकी चलने की कंडीशन नहीं थी लेकिन फिर भी वो फराटा भर रही थी, सड़क पर दौड़ लगा रही थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यानी लोग उसकी ऐसी जर्जर दशा को देख करके ही शायद सफर न करते हो, इसने सोचा है शंकर प्रसाद परसाई जी ने सोचा कि शायद लोग इसीलिए इस बस से सफर करना ना चाहते हो, बेचारे इतनी बूढ़ी है, इतने दिन से इसने हमारी सेवा की है, तो आज हम इस पर सवारी सफर ना करें, इससे सफर तय ना करें। यह बस पूजा की योग्य थी, यानी एक पीढ़ी बीत गई इसमें सफर करते करते, अब इसको चुपचाप खड़े करके इसकी पूजा करनी चाहिए, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में बस से जा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जब लोगों को इतना ज्ञान नहीं था या इतने पैसे उपलब्ध नहीं थे या सरकार की ऐसी स्कीमें थी कि कोई भी चीज अकेले नहीं खरीद सकते हो, तो साझेदार होते हैं। जैसे आप कोई चीज खरीदना चाहते हो तो अकेले आपके पास पैसे नहीं है, आपके मित्रों की भी इच्छा है उसी चीज को खरीदने की और उनके पास भी पूरा पैसा नहीं है, तो क्या है, लोगों ने साझा कर लिया, यानी आप भी अपना पैसा मिला दीजिए, हम भी अपना मिला देते हैं, जो भी बचेगा उसको उसी पार्ट के रूप में उसी के हिसाब से बेनिफिट को डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। तो जिस गाड़ी गाड़ी आई हुई थी उस गाड़ी में ही उसका एक हिस्सेदार बैठा था, हिस्सेदार का मतलब पार्टनर बैठा हुआ था, बस का मालिक बैठा हुआ था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है, कौन कहता है, हरशंकर परसाई जी कहते हैं कि मैंने जब उनसे पूछा कि क्या यह बस चलती है तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, क्या कहते हैं, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, बस खड़ी है इतनी जर्जर अवस्था में खटारा, और जब हमने उनसे पूछा क्या ये बस चलेगी तो उन्होंने कहा, क्या कहा बस के पार्टनर ने, कि चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी, हम देखना चाहते हैं अपने आप चलती है, या हाँ जी और कैसे चलेगी,
देखते हैं कैसे चलेगी, या अपने आप चलती क्या, ऑटोमेटिक है क्या। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। किसने कहा? हरिशंकर परसाई जी ने कहा कि गजब हो गया, ऐसी बस जो अपने आप चलती है, मैंने कभी नहीं देखा। हम आगा पीछा करने लगे, क्या बताया गया, आगे पीछे की सोचने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। मैंने एक मेरे साथी हरिशंकर परसाई जी के साथी थे जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा सोचो मत चलो, इसी से निकल चलते हैं। बस अनुभवी है, अनुभवी का मतलब होता है बहुत ज्ञान है, ज्ञानी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बिल्कुल अभी अभी बनकर आई है, जो रोड पर उतरी है चलने के लिए, उससे ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, जिस प्रकार से माँ दादी अपने बच्चों को गोदी में लेकर के प्यार से चलती हैं, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देती हैं। तो हरिशंकर परसाई जी के जो मित्र थे, उन्होंने क्या कहा कि यह ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी गोदी में लेकर के चलेंगे। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। क्या बताया गया कि जब हम उस गाड़ी में बैठे तो ऐसे लोग हमको देख रहे थे मुड़ के खड़े होकर के, जैसे कोई शव यात्रा में लोग अंतिम संस्कार के लिए अब शव को लेकर जाते हैं, लोग घूर घूर कर देखने लगते हैं कि आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जब उन लोगों ने हमें बस में बिठा दिया, तब लोग ऐसे हमको घूर कर देख रहे थे जैसे हमारी अंतिम विदाई हो, अंतिम सफर हो, इसके बाद हमारे जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। क्या बता रहे हैं हरिशंकर परसाई जी कि उनकी आंखों में ऐसे ऐसे दिख रहा था जैसे जो आया है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, वैसे इससे आना जाना लगा ही रहेगा, ऐसे देख रहे थे। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, चाहे जैसा भी हो, जो भी आया है वह अवश्य जाएगा। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, पूछ माने होता है पूछ। पूछ माने होता है जाने के लिए, निमित्त तेंस होता है साधन। बहाना भी लिख लीजिए, जैसे कहते हैं हिले रोजी बहाने मौत, जो आया है उसे जाना है, कैसे जाना है किससे जाना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, स्टार्ट मीन्स चालू हो गया, स्टार्ट माने होता है चालू हुआ। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, समझ लीजिए जैसे पुरानी गाड़ी जब स्टार्ट होती है जगह जगह से उसके स्क्रू पे ढीले होते हैं खनखन खनखन, जैसे हार्न की जरूरत नहीं है स्वतः ही बजने लगती है, ठीक उसी प्रकार से जब बस स्टार्ट हुई तो ऐसा लगा जैसे हम सारी बस इंजन है और हम उस इंजन के भीतर बैठे हैं। बस की सीट पर ना बैठ करके ऐसा लग रहा था जैसे हम इंजन के भीतर बैठ रहे हैं, पूरी बस हिल रही है,
जैसे ट्रैक्टर पुराने ट्रैक्टर स्कार्ट ट्रैक्टर ऐसे ट्रैक्टर्स बस भी पुरानी अगर स्टार्ट अवस्था में खड़े हैं तो आप उस पर बैठे हैं तो हिलने लगेंगे पूरी हिलते हुए नजर आएंगे अगर पुराने हैं तो हम कांच बहुत कम बचे थे कांच में जानते हो शीशे जो लगे होते हैं खिड़कियों में हवा आने के लिए वातायन जो होते हैं झरोखे जैसे विंडोज लगे होते हैं गाड़ियों में उसमें एक भी कांच नहीं बचा था सभी के सभी कांच शीशे टूट चुके थे जो बचे थे उनमें हमें बचना था यानी जो आधे टूटे इधर उधर टुकड़े फंसे हुए थे उनसे हमको अपने आप को बचाना था ना कहीं जंप पड़ जाएगी गड्ढा होगा उसमें गिरेगी पहिया जैसे ही वो ऊपर गिर जाएगा और काम तमाम हो जाएगा कौन देता है हरिशंकर का परसाई जी कहते हैं उनसे हमें बचना था हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए का मतलब होता है हट गए तो क्या बताते हैं जैसे ही हमने देखा फौरन खिड़की से दूर सरक गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या है इंजन है हम बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि वह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होंगे यानी सन 1920 1930 1942 यानी सन 1920 में या बस अवश्य जवान रही होगी इसलिए इतनी बूढ़ी बेचारी हो गई है उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था दूरी बना लेता था समझ गया पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था यानी स्क्रू उसके जो सीट के नीचे पेच लगे होते थे नट तो भी रिपीट हो चुके थे सीट आगे पीछे उसी में थी गाड़ी के साथ में आगे पीछे कर रहे थे ऐसी जर्जर दशा थी उस बस की कभी लगता कभी लगता कि सीट को छोड़कर बागी आगे भागी जा रही है कि जब ब्रेक लगाएगा ड्राइवर चालक तो क्या होगा सीट आगे की ओर दौड़ेगी और जब चलेगी गाड़ी तो सीट पीछे की ओर दौड़ेगी ऐसे जैसे झूला झूला रही है कभी लगता कि सीट को छोड़कर बागी आगे भागी जा रही है 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए यानी 8-10 मील जब गाड़ी चली तो मैं मन के अंदर जो विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही थी वह क्या हो गई स्वतः ही समाप्त हो गई समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है यानी कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं जो ये हिल रही है कि सीट हमारे ऊपर रखी है ऐसा लग रहा था समझ गया एकाएक बस रुक गई यानी चल रही हो 8-10 मिनट चल के गई और एकदम बस रुक गई मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है क्या हो गया पेट्रोल जिसमें डीजल भरा जाता है उस टैंक में ही छेद हो गया ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा क्या किया जो टैंक के अंदर पेट्रोल बचा था उसको ड्राइवर ने टैंक से बाल्टी में कर लिया और उसके बाद में उसने अपने बगल जो जगह होती है इंजन और ड्राइवर के सीट के बीच में वहाँ पर उसने उस बाल्टी को रख दिया और नली डालकर इंजन में
भेजने लगा। फिर एक उसने पतली पाइप ली और उस पाइप को बाल्टी में डालकर फिर उस बाल्टी से उस पाइप को ले जाकर के इंजन में उसने लगा दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि गाड़ी थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। क्या बता रहा है? हरशंकर परसाई जी कहते हैं कि अब हमको ऐसा आभास होने लगा जो बस का मालिक है, पार्टनर बैठा हुआ है, अभी इसकी ये दशा हुई है तो अभी थोड़ी देर में जो बस का ये मालिक है इंजन को उठा के अपने गोद में रख लेगा, फिर बस लेके चलेगा। समझ गया ना मेरे बच्चों? यानी ऐसी जैसे दशा थी उसकी, और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। कौन? गाड़ी के मालिक, क्योंकि ड्राइवर तो बस चला रहा है, वो तो पिला नहीं सकता। तो गोद में उठा के इंजन मालिक बैठेगा। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को गोदी में बिठा के दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, ठीक उसी प्रकार से यह बस का मालिक इसके मुंह में पाइप नली यानी पाइप लगा करके फिर ऊपर से पेट्रोल डालेगा और ये इंजन स्टार्ट चलता रहेगा। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी, स्पीड कम हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। पता नहीं कब उसकी बाड़ी उसको छोड़ दे, पता नहीं कब छाती गिर जाए, पता नहीं कब चेंचिस उतर जाए, चेंचिस से पूरी बाड़ी उतर जाए, इंजन आगे चला जाए, सवारी पीछे रह जाए, या सीट ही पीछे रह जाए, पहिया निकल जाए, ऐसी दशा उसकी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी चारों ओर मन को हरने वाले अच्छा अच्छा सौंदर्य देखने योग्य हरियाली थी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, किसी चीज की कमी न थी, जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्वेश्चन होता है लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि इतनी जर्जर अवस्था थी बस की, पता नहीं कितने समय इसका स्टीयरिंग फेल हो जाए और बस यूं जाकर के सीधे धाम से पेड़ में लड़ जाए और जान चली जाए। इसलिए लेकर पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता था तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा रहेगी। गोता मीन्स होता है डुबकी लगाना, गोता मीन्स डुबकी लगाना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एकाएक फिर बस रुकी, यानी 10-15 मील चलने के बाद बस रुक गई थी। तब उसकी पाइप यानी टंकी में लीक हो गया था, छेद हो गया था, तेल नीचे गिरा था। तो ड्राइवर ने तेल निकाल कर पूरा ऊपर बाल्टी में रख लिया। उसके बाद पाइप से तेल जा रहा था बाल्टी से होकर के, बाल्टी से पाइप में तेल जाकर के इंजन तक पहुंच रहा था। फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है। जी यह तो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक समझ रहे ना? कहते इत्तेफाक बस ऐसा हुआ, इत्तेफाक में संयोग यानी कुदरती संयोग समझिए, ईश्वर की देन है। ऐसा हो गया, ऐसे अभी तक कभी भी
नहीं हुआ था। इत्थाक मीन्स से नो क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लान हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। ऐसे इतनी बूढ़ी है, इतनी बुजुर्ग सी लग रही है, चलने की अवस्था में नहीं थी, फिर भी हम उस पर लग के चले आए। हमें बहुत दुख हो रहा है, शर्म महसूस हो रही है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी अगर कहीं ये स्टार्ट ना हुई, आगे ना बढ़ी, तो बियाबान माने होता है उदारखंड में बिल्कुल जंगल घना। बियाबान झारखंड नहीं, यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सब कुछ असंभव है। ऐसी जगह चुपचाप खड़ी हो गई है तो हमें अब यहीं पर इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा। थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सेस अगले वीडियो में।